नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में आधार कार्ड कैसे लिंक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन ही घर बैठे आधार कार्ड अपने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आप घर बैठे ऑनलाइन ही पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मैं यहाँ पर आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर आप घर बैठे अपने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहां पे आपको जान लेना है कि आधार कार्ड कैसे लिंक करेंगे, क्या क्या आपको यहां पे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, यहां पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला, सिंपली आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहां पे आप पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आप जो लिंक करेंगे वो ओटीपी बेस्ड यानी ओटीपी के थ्रू ही अपना आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट पर लिंक करेंगे। तो ओटीपी के लिए आपको मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो सिंपली यहां पे आपका अगर आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है तब ही आप यहां पे बैंक अकाउंट के साथ अपना आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पे अपना आधार कार्ड के साथ अपना बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए सिंपली क्या करना, आपको सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली क्या करना, आपको यहां पे सर्च बार में आपको टाइप करना, यहां पे आप टाइप करेंगे PNB आधार, यहाँ पे आपको लिखना PNB आधार लिंक। सिंपली आपको PNB आधार लिंक के सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सबसे ऊपर में देखने मिल जाएगा पंजाब नेशनल बैंक OTP बेस्ड आधार सीडिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना, सिंपली आपको ऊपर वाला वेबसाइट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे वाला वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ आपको बहुत सारा वेबसाइट देखने मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो। क्या करना, सिंपली आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने मिलेगा। उसके बाद यहां पे अपना पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट के साथ अपना आधार कार्ड लिंक करने के लिए ये पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे आपको क्या करना, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पे आपको देखने मिलेगा क्लिक हेयर फॉर ओटीपी बेस्ड आधार सेडिंग। बस क्या करना, आपको सिंपली क्लिक हेयर फॉर ओटीपी बेस्ड आधार सेडिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस इस तरह से देखने मिलेगा। यहां पे देख सकते हैं यहां पे लोडिंग ले रहा है, इस तरह से देखने मिलेगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको यहां पे थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम करने से क्या होगा, यहां पे आपको प्रॉपर देखने मिलेगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। जूम करने के बाद गाइस, यहां पे प्रॉपर थोड़ा जूम कर लेता हूं। जूम करने के बाद गाइस, यहां पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहां पे गाइस, यहां पे आपको लिंक करने का यहां पे आपको तीन स्टेप में बताया गया है। नंबर वन स्टेप में लिखा हुआ है प्लीज इंटर द वैलिड अकाउंट नंबर एंड क्लिक ओटीपी कंटिन्यू बटन। यानी सबसे पहले आपको क्या करना गाइस, यहां पे आपको देखने मिलेगा अकाउंट नंबर। यानी क्या करेंगे, आपका जो पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट होगा उस अकाउंट नंबर को आपको इस बॉक्स में सही सही फिलअप करना है। उसके बाद यहां पे स्टेप टू में बताया गया है इंटर टू द ओटीपी कैप्चा एंड क्लिक और वैलिडेट बटन। यानी आपको ओटीपी यहां पे अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद, यहां पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसके पे क्या होगा कि आपको एक कैप्चा देखने मिलेगा, उस कैप्चा को आपको सही सही फिलअप करना है। देन उसके बाद यहां पे आपको थर्ड नंबर में बताया गया है इंटर द आधार नंबर क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन देन यू विल गेट ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल विथ UAIDAI इंटर द रिसीव ओटीपी फ्रॉम UIDAI वैलिडेट क्लिक द वैलिडेट बटन ऑन इट सक्सेसफुली यू विल बी शो ऑन योर पर्सनल डिटेल्स। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे आपको अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको एक कैप्चा आएगा, कैप्चा को फिलअप करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके अकाउंट नंबर यानी आपको जो बैंक अकाउंट पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस अकाउंट में आपका एक मैसेज आएगा, यानी उस मैसेज में आपका ओटीपी रहेगा। ओटीपी को फिलअप करेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद उसके बाद तब जाके आपको क्या करना, आपको एक बॉक्स आएगा आधार नंबर फिलअप करने के लिए। वहां पे क्या करेंगे, अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। आधार नंबर फिलअप करने के बाद उसके बाद क्या करना, आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल पर एक ओटीपी को सेंड किया जाता है। उस ओटीपी को क्या करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे ओटीपी का एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में अपना ओटीपी डालेंगे। डालने के बाद आपको क्या करना, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पेज खुल जाएगा। उस पेज में आपका सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा, आपका नेम वगैरह, आपका फादर्स नेम, सारा डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना, सारा कुछ में आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फाइनली आप क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जो कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट था
ऑलरेडी मेरा आधार कार्ड वहाँ पे लिंक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिंक करके नहीं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। जैसे मैं बताऊँगा अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपका 100% गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ पे आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। सिंपली आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तब आप जाके अपना बैंक अकाउंट के साथ अपना आधार कार्ड लिंक कर पाएंगे। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सारा कुछ फिलअप करने के बाद लास्ट में आपको आएगा सबमिट, बस क्या करेंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड लगभग 7 डेज यानी आपका जो वर्किंग डेज है लगभग 7 डेज का समय लगता है लिंक होने में। कभी कभी क्या होता है लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर लिंक हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि लगभग 7 डेज लगता है आपका बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड लिंक होने का जो समय है लगभग 7 डेज यानी 7 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने बैंक अकाउंट के साथ अपना आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।